हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको, ये देख रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। ये आपको क्लास टेंथ जो सब्जेक्ट है, टेंथ का है ये। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पी वटे क्यू के रूप में 0.141 पर आपको ये बार दिया हुआ है, को लिखा जा सकता है। यानी कि इसको आपको चार ऑप्शन दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 41/100, दूसरा दिया 41/90 दिया 90, और 41/99 और 41/100। इसको जो प्रॉपरली आपको दिया जाता है, बार बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, फोर पॉइंट ये ऐसे सिंपल ही रहता तो हम क्या करते थे, इसको उड़ाकर यहाँ क्या करते थे हम, 41/100 हो सकता था। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको बार का सिस्टम दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 41 जितना पर आपको जो है ये रेकरिंग दिया हुआ उतना पर क्या करेंगे हम, 9 देंगे। समझ रहे बात को, तो ये हो जाएगा आपको 41/9। यानी कि आपको इसको कॉमनली यानी कि डिस्क्रिप्ट में बताएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आपको नेक्स्ट जब हम डिटेल जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कराएंगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। समझ रहे बात को, होता चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन है अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। तो पहले परिमेय जो होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। परिमेय जो होता है आपको पी वटे क्यू के रूप में आना चाहिए, या परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का वर्गमूल निकल जाता है ये 5 हो जाता है। यानी कि इसका वर्गमूल कम से कम निकल जाना चाहिए। वर्गमूल यदि निकल जाए, मान लीजिए रूट अंडर आपको 49 दिया हुआ है, तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाता है, तो ये पूछेगा रूट अंडर 49 जो है आपका परिमेय संख्या है या नहीं है। 49 और रूट अंडर 49 क्या हो जाएगा, ये जो है आपको परिमेय संख्या आएगा। तो सेम उसी तरीका इसका वर्गमूल निकल जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा 3 है, ये भी परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल आपको 4 निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपको 5 निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन से ही आपको क्या छंटता है, ये ऑप्शन नंबर बी जो आपको क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो आप वर्गमूल निकालिएगा 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 जो है क्या है अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर ये आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको, बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोई भी जो इक्वेशन आ रहा था उसको हम 0 के बराबर करते थे। इसको यदि आप हम 0 के बराबर करते हैं, बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6x बराबर हम जो 21 को पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव है, तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 21/6, और इसको आप काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, ऊपर जो है आपको 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, यानी कि 7/2, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इसमें आपको ये बहुपद जो आपको दिया है पॉलीनॉमियल, ये इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, घात यानी कि पावर फाइंड आउट करना है। जो ये आपको बहुपद जो दिया है इसमें आपको पावर कितना है, तो पावर जो फाइंड आउट कीजिएगा इसमें, तो पावर देखिए फर्स्ट ये आपको ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 0 और डी में आपको 25 दिया हुआ है। तो ये जो आप ज्ञात कीजिएगा पावर, घात जो होता है किसी भी कोई भी बहुपद आप लिखिए, 5x² + 6x + 9, घात जो होता है पावर किसी भी बहुपद को आप देखकर, मैक्सिमम जो पावर होता है ना वो आपको घात कहलाता है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। मान लीजिए आपको ऐसा समीकरण दे दिया जाए, x^6 + x^5 + x^4 + x^3 ये आ जाएगा आपको 2x² + 6x + 9, इसमें कहेगा आपको कितना मैक्सिमम पावर है। तो ये मैक्सिमम पावर आपको क्या आ रहा है, ये जो है 6 है। मैक्सिमम पावर जो है जो रहता है वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है आपको, 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें। समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण जो आपको दिया हुआ है, द्विघात समीकरण जो आपको दिया हुआ, तो वो देखिए आपको दिया हुआ रहता है जो ax² + bx + c के रूप में रहता है, ax² + bx + c के रूप में रहता है। तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट हो गया आपको क्या, ax² + bx + c। इसके फॉर्मेट में आप इसको यदि हम चेक करेंगे, यहाँ देखिए इसको यदि ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए आपको यहाँ पे x² आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो x² + 2x + 1 आएगा, बराबर इधर आ जाएगा आपको 2x + 1। तो ये जो आपको क्या आ जाएगा,
यहाँ देखिएगा तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म में आ गया है। तो ये द्विघात समीकरण इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आएगा आपको तब द्विघात समीकरण होगा। इसमें भी देखिए आपको क्या आ जाएगा, एक्स का क्यू आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो इसमें भी कीजिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यू है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर घट भी जा रहा है तो भी क्या आ रहा है। यहाँ देखिएगा आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में सिर्फ आपको जो है ना द्विघात समीकरण के फॉर्म में आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, सिंपल जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में सबको कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, तो इसमें जो है आपको द्विघात समीकरण का फॉर्म इसमें तीनों में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है, यदि m और n अभाज्य संख्या है, m और n क्या है, अभाज्य संख्या है, तो m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का महोत्सव ज्ञात कीजिए। महोत्सव यानी कि लॉस, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम जो होता है एक और एक क्या होता है एचसीएफ होता है, आपको क्या पूछ रहा है, महोत्सव पूछ रहा है, महोत्सव मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, आपको जो है दिया हुआ है एम स्क्वायर एम क्यू और एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है एम स्क्वायर दिया हुआ है और एन स्क्वायर दिया हुआ है, तो एम का स्क्वायर में आपको एम को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, एम को क्या कीजिएगा तीन बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद एन को क्या कीजिएगा दो बार, सेम उसी तरीका जिसमें एम गुना एम गुना क्या कीजिएगा एन गुना एन, यानी कि जो दोनों में हुआ ही कॉमन क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है, इन दोनों में आपको एम स्क्वायर एन स्क्वायर मिला, दो बार एम मिल जाएगा, दो बार आपको एन मिलेगा, तो एम गुना एम और n गुना n आ जाएगा इसका एचसीएफ, तो ये इसमें हो जाएगा आपको m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको कह रहा है, यदि a और 18 का लॉस 36 दिया हुआ है, एक कोई संख्या है और एक 18 संख्या जो 18 दिया हुआ है और उसका लॉस कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तथा a और 18 जो आपको है क्या दिया हुआ है इसका महोत्सव 2 है, तो a बराबर आपको क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है a, एक सूत्र ये आप जानते होंगे जो आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुना जो है क्या होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये क्या होता है ये दोनों आप लोग जानते होंगे, ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ होता है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे एक संख्या ए दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया 18 दिया हुआ है, इन दोनों में एक एलसीएम जो आपका मान 36 दिया हुआ है और मोसो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया 2 दिया हुआ है, तो इससे हम ए निकाल सकते हैं, 18 36 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इससे हम काटेंगे तो 4 2 गुना 2 यानी कि 4, ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 देखिए आपको किस में है बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल है ये, दो अपरिमेय संख्या आप लीजिए, अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं √2 और √5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √10, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन यदि हम ऐसे ले लेते हैं रूट आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणनफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको परिमेय संख्या का फॉर्मेट आएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a का स्क्वायर हो जाएगा क्या आपको 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा स्क्वायर होगा सॉरी यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 1, यानी कि ये 1 क्या है 1 आपको परिमेय संख्या में आएगा, ये आपको p/q 1/1 हम लिख सकते हैं, तो ये परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ये बहुत ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 का हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है, इसका आपको क्या निकालना है शून्यक निकालना है, शून्यक यदि आप निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इसका शून्यक निकालने के लिए हम डिस्कशन जो है इसका सीरीज जो हम 10th में बताए थे, जो भी आपको इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको 1 यूनिट से लेकर 15 यूनिट तक का टोटल फुल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो उसमें हम शून्यक निकालने पर चर्चा किए थे, तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड जो 2023 में एग्जाम होने वाला है आप लोग का, तो इसमें यदि शून्यक यदि आप निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए 20 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लेक्शन में तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, 20 को यदि आप तोड़िएगा तो 1 गुना 20 होगा, उसके बाद 2 गुना क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 से नहीं होगा 4 गुना 5 होगा, तो इन दोनों में देखिए आपको घटाने या जोड़ने से आपको x मिल रहा है यानी कि 1 मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं यहाँ आप जो है 5x - 4x कर सकते हैं या -20 कर सकते हैं, इन दोनों में 5 कॉमन लीजिए यानी कि x कॉमन लेते हैं x प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों में आपको क्या लेना है 5 4 कॉमन ले लेते हैं, -4 यदि कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों
दोनों में कॉमन फैक्टर आपको x प्लस फाइव हो गया और दूसरा हो गया आपको x माइनस फोर। अब इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो एक x का मान क्या आ जाएगा, फोर आएगा, एक आ जाएगा आपको माइनस फाइव। तो आप देखिए एक आना चाहिए फोर, एक माइनस फाइव, फोर एक माइनस फाइव, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया नाइन नंबर, एक क्वेश्चन और टेन, हम दसवां क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण इतना कि शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा योग आपसे पूछ रहा है, तो ये बार बार ऑब्जेक्टिव में रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। तो ये शून्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था हम डिस्कशन किए हैं, इससे सीरीज ये चलता रहेगा। इसमें आप लोग जब तक मैथ का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ आपको डिटेल में बताया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव का कैसे आंसर, हम जो भी आपको 50 या 35 क्वेश्चन जो रहता है वो टोटल इस ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज आप देखते हैं तो वहाँ आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देखिए बी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 5x हम माइनस 12। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब यदि आपके शून्य को जोड़ यहाँ पे दिया हुआ है आपको मल्टीप्लेक्शन पूछ सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, किसी में आपको अल्फा इंटू बीटा ये दोनों मान आपसे पूछ सकता है। समझ रहे बात को? तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इसमें हम जानते हैं ए बराबर क्या लिखते हैं आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ये हो गया। बी बराबर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम बताए हुए होंगे तो यहाँ हम फिर से बता रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा यदि पूछ रहा है तो क्या लिखेगा, माइनस बी बाय ए होता है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या होता है, माइनस बी बाय ए। शून्यकों का गुणनफल आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, सी वटे होता है, क्या होता है, सी वटे होता है। लेकिन शून्यकों का योग आपको याद रखना है, लेकिन इसमें आपको पूछा गया शून्यकों का योग, गुणनफल आपको याद रखना है, योग इसमें पूछा गया, तो इन दोनों का योग कीजिएगा तो माइनस फाइव बटे टू, यानी कि माइनस फाइव बटा टू, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह इस चैनल से जुड़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। करियर से रिलेटेड या क्या कुछ पढ़ना लिखना है उसके बारे में यदि पूछना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 8674939143, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल के साथ और ये सीरीज आपका चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग, जो चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें।